हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल बहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फ्राइडे है, रमजान का सेकंड जुम्मा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमजान के महीने में हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए और जितनी भी मुश्किलात हैं हम सबकी दूर हों। और आज हम जा रहे हैं अब जुमा पढ़ने। बेसिकली जिस मस्जिद में हम जाते हैं वहाँ पर रश वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आज हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। वैसे तो हमने अगर नमाज पढ़नी होती है जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम पढ़ रहे होते हैं, मस्जिद है जहाँ पे हम पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे के टाइम यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे जगह नहीं मिलती। तो इसलिए जुम्मे वाले दिन हम एक और मस्जिद है जो कि इससे बड़ी मस्जिद है, हम वहाँ पर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। मैं आपको उस मस्जिद का भी व्यू चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बनी है और उसमें चीज़ें भी बहुत आउट क्लास लगी हुई हैं। तो अब हम जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। तो अब हम उस मस्जिद में आ गए हैं जहाँ पे हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये मस्जिद का सारा व्यू है, फ्रंट व्यू। अभी यहाँ पे इतना रश नहीं है, थोड़े से जब जैसे जैसे जुम्मे के टाइम करीब आता जाएगा रश बहुत ज़्यादा यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। जूतियाँ रखने के लिए शॉप्स वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, और जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं खूबसूरती के लिए, इन्वायरमेंट को ठंडा रखने के लिए उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे ये फाउंटेन चीज़ें भी लगाई हैं। फ्रंट डोर है जहाँ से हम जो जगह बनी है नमाज़ पढ़ने के लिए एंटर होते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे भी सारा सेम ये भी फिल होता है जब जुमे का टाइम होता है। ये सारा अंदर से इस मस्जिद का माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है और बहुत बड़ी ये मस्जिद है। मैं अगर आपको बैक साइड से भी चेक करवाऊँ और यहाँ पे मस्जिद का मैं आपको भी बाग चेक करवाता हूँ। एक छोटा सा गार्डन टाइप इन्होंने चीज़ बनाई है और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये मस्जिद डिज़ाइन की गई है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, माशाल्लाह सारी ही प्यारी होती हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा निखार देती हैं। और अगर इस जगह की बात करूं तो ये जगह ज़्यादातर अरबियों की है इधर, इस वजह से आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो अरब के जो लोग होते हैं वो बड़ी बिल्डिंग में रहने की बजाय ये छोटे छोटे से घरों में रहना पसंद करते हैं। छोटे घर नहीं होते, बस ऊँचाई इनकी बिल्डिंग ऊँची ऊँची नहीं होती, विले टाइप ये बने होते हैं। तो ये मस्जिद का एक व्यू था। अब जहाँ पे वज़ू किया जाता है वो हिस्सा आपको चेक करवाता हूँ और उसके बाद फिर आपको इधर का वॉशरूम भी चेक करवाता हूँ। पानी पीने की जो जगह है उसके लिए देखिए उन्होंने कितना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि यहाँ से जस्ट आप एक ग्लास खींचे और पानी भरे, बहुत अच्छा यानी कि सिस्टम है। इसके बाद जब आप वाशरूम वाला एरिया इनका चेक करते हैं सारा, आप सुधर वाशरूम, ये सारा हाथ धोने की जगह, ये सारी हाथ धोने की जगह यहाँ पे, और एरिया चेक करवाता हूँ तो ये वज़ू करने का सारा एरिया, साथ ही इन्होंने हैंड वॉश रखा हुआ है। अब ये हैंड वॉश, ये टिशू और ये इधर के पानी का है कि इसको एक दफ़ा प्रेस करें पानी आना शुरू हो जाएगा और आप इस तरह से अपना वज़ू वगैरह कर सकते हैं। अब नमाज का टाइम हुआ तो मैं ज़रा वज़ू वगैरह कर लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। नमाज पढ़ के हम आ चुके हैं। अब इसका भाई का एक दोस्त है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, कुछ टैग वगैरह है हमारे पास उसको ये वापस करना है, और उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी करनी है, ग्रोसरी वगैरह लेनी है, उसके बाद सीधा उधर जा रहे हैं। हम अब मार्केट में आ चुके हैं लड़के को सामान देने के बाद। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पर आए थे लेकिन सैरी के टाइम आए थे तब इतना रश नहीं था, लेकिन आज बेसिकली अफ्तारी का कुछ ज़रूरी सामान हमने लेना है तो इस वजह से दोबारा इस मार्केट में आए हैं, लेकिन आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। अप्रैल में ही आम भी आ चुके हैं, सारे आम लगे हुए हैं यहाँ पे। आपको यूएई का केला चेक करवाते हैं।
ये ग्रीन बनाना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक कराऊंगे, यहाँ पे केले दर्जन नहीं किलो के हिसाब से मिलते हैं। और ये अब हम अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं अपनी ग्रोसरी का सामान। ओके, तो अब ऐसा है कि हमें सारी चीज़ें अब यहाँ से नहीं मिली, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हमने परचेज करनी है, और हम जा रहे हैं एक और मार्केट में जहाँ से हमें वो चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली पाकिस्तानी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने रिसीव करना है, उसी के लिए अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। ओके, तो अब हम वहाँ से आए हैं इस दुबई की एक जगह जिसे हम इंटरनेशनल सिटी बोलते हैं, और यहाँ पे बेसिकली जो कम्युनिटी है सारी पाकिस्तान ऑलमोस्ट पाकिस्तानी है, और यहाँ पे पाकिस्तानी जितनी भी आइटम्स होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। और ये वो पाकिस्तानी जिना मार्केट है जहाँ पे हम आए, और अब मैं इधर से अंदर की तरफ जाऊँगा। ये इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, ये छोटी सी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी जितनी भी आइटम्स होती है ना आपको मिल जाती है। और अगर आपने यहाँ पे किसी भी जगह से कोई चीज़ लेनी है आपको वहाँ से नहीं मिलेगी, और यहाँ से आपको पाकिस्तानी हर चीज़ मिल जाएगी। तो इस वजह से ही हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ही अंदर ही स्टोर के अंदर ही इन्होंने फ्रेश मीट भी बना के दे रहे हैं। अपनी जगह पर जहाँ से हम सामान वगैरह लेंगे ऊपर जाएंगे। ओके, तो ग्रोसरी वगैरह हमने सारी कर ली है, अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। तो ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़।